आज हम बनाएंगे हरा भरा कबाब। हरा भरा कबाब बनाने के लिए एक बाउल पालक लिया है। अभी हम इसको करीब 3 मिनट के लिए उबालेंगे। यहाँ पे मैंने एक पतीले में पानी लिया है। अभी हम इसमें पालक डालेंगे। अभी हम पालक को छान लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। एक चम्मच ऑयल लेंगे। वेजिटेबल में यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च लिया है आधा कप, बीन्स लिया है आधा कप, मटर लिया है, हरी मिर्च लिया है 2, 6-7 कड़ी, लहसुन लिया है। पैन गरम हो चुका है। अभी हम लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, मटर सब मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट के लिए टॉस करेंगे। हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी हम बेसन को रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है। इस तरह रोस्ट कर लेंगे। करीब 2 मिनट के लिए। अभी हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। पालक और वेजिटेबल को ग्राइंड कर देंगे। हमने वेजिटेबल को बारीक ग्राइंड कर दिया है। अभी हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। इस तरह यहाँ पे मैंने उबला हुआ आलू स्मैश करके लिया है। यहाँ पे मैंने करीब 1 आलू लिया है। यहाँ पे रोस्ट किया हुआ 1 चम्मच बेसन डालेंगे। 1 चम्मच श्रेड किया हुआ पनीर डालेंगे। करीबन 4 चम्मच क्रश किया हुआ ब्रेड डालेंगे। इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक। अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी हम कबाब बनाएंगे। इस तरह गोल करेंगे और क्रश किया हुआ ब्रेड में डिप करेंगे। इसमें आधा काजू लगा देंगे। ऐसे ही हम
दूसरा करेंगे। अभी हम कबाब को डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऑयल गरम किया है। अभी हम हमारे कबाब को फ्राई करेंगे, इस तरह डीप फ्राई करेंगे। हमने मीडियम रखना है। ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तभी हम पलट देंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अभी हम इसे निकाल देंगे। हमारा हरा भरा कबाब तैयार है, इसे हम सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।